वेलकम फ्रेंड, युक्ति आई इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज एक हम लोग नए सीरीज़ पर काम करने वाले हैं, जिसमें आप लोग बहुत से स्टूडेंट के द्वारा यह डिमांड किया गया था, जिसमें जनरल साइंस के टॉपिक को कवर किया जाए, जो आने वाले एग्ज़ाम जो है, जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी का ही सीडीपीयू है, और प्लस यूपीपीसीएस जो है, और साथ में ऑल वन डे एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रखते हुए उन प्रश्नों को शामिल करना जो महत्वपूर्ण हो और जो एग्ज़ाम हॉल तक वो प्रश्न कैरी करे। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक नया प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, जिसमें हम महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को शामिल किए हैं, और जो आपको जनरल साइंस क्वेश्चन है बेस्ड होगा एनसीईआरटी बुक, और प्लस लूसेंट जनरल साइंस जो बुक आती है उससे, दोनों से टैली करके इसी, अगर इतना ही आप लोग कर लेते हैं तो इससे अतिरिक्त प्रश्न नहीं पूछेगा। और ये क्विज टाइप का है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी है, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन, आपको बेहतर एक्सप्लेनेशन शामिल किया गया है विथ स्लाइड के साथ, बहुत से पिक्चर के साथ। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और जितना हो सके इसे सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा प्रयास सफल हो सके और उन अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी बन सके जो इस प्रकार के कन्फ्यूज़न, इस प्रकार के डर में रहते हैं कि उनका साइंस का प्रश्न कि कैसे सॉल्व होगा एग्ज़ाम हॉल में, खासकर बीपीएससी सीडीपीओ और इस प्रकार के जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं उसमें। तो उसी, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को, जो भी अभी जस्ट हमसे जुड़े हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूल इसे ना भूले जरूर दबाएं इसे बेल आइकन को, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो भी है, चैनल के नए और पुराने दोनों चैनल को लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, हमारे प्रयास को और भी लोग जान सके और हम बेहतर एक स्थिति में आ सके, आप लोगों से जुड़ सके। और इसके लिए आप लोग या तो हमारे वेबसाइट www.yuktiis.in पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम पर मेगा क्विज चलता है, आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर 10,000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह चल रहा है, जो विगत 3 से 4 महीने से स्टार्ट है, तो आप लोग इसे जारी रखते रहिए। बहुत से स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो कंटेंट है, जो एग्जाम ओरिएंट पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम ओरिएंट एक्सप्लेनेशन होता है, वो आप लोग तक पहुंच सके। इसलिए हमारा सपोर्ट कीजिए, एक बेहतर प्रयास, एक बेहतर प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए युक्ति आईएएस लेकर आया है, जो एग्जाम ओरिएंट टू द पॉइंट बात करता है। तो इसलिए हमारा सपोर्ट आप बनाते रहिए। मैं किस ऑथेंटिसिटी के साथ आप लोग के सामने हूँ, मेरा प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, अबाउट मी, मेरे बारे में जान सकते हैं, या क्या मैंने अभी तक होल्ड किया, कौन कौन सा एक्सपीरियंस मेरे साथ कैरी कर रहा है, जो आप लोग के प्रश्न एग्ज़ाम तक ले जाने का इस प्रकार का जो दावा करते हैं किया जा रहा है, क्या वो सही है या नहीं है। तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुए हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दोनों से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब लोक प्रशासन, जो आप लोग प्रशासक बनिएगा और जाके एग्ज़ाम जो आप लोग कार्य करिएगा उससे संबंधित जो सब्जेक्ट है उसे लोक प्रशासन कहते हैं, लोगों से जुड़ा प्रशासन है यह। मुझे 6 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन दोनों जगह, तो इस प्रकार जो कैरी कर रहा हूँ मैं होल्ड। साथ ही साथ मैं 3 टाइम इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, तो ये भी मेरे लिए एक उपलब्धि है, जो पीटी और मेंस के चीज़ों को मैं बेहतर तरीके से समझ रहा हूँ और मैं इस प्रकार से लगातार आपको इस रूप में आया हूँ सामने। ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं लूँगा, जब भी ऑप्शनल मेंस का क्लासेस स्टार्ट होगी उस समय। साथ में आप लोग जीएस हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का, प्लस पॉलिटी, आईआर और करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन एनालिसिस कराया जाता है वो मेरे द्वारा लिया जाएगा, और भी फैकल्टी हैं उनसे द्वारा समय समय पे लिया जाएगा। इसके साथ इन सभी के अतिरिक्त मुझे क्या एक्सपीरियंस है, मुझे 10,000 से अधिक ओरिजिनल यूपीएससी और पीसीएस प्रश्नों के कंटेंट क्रिएट करने का भी एक्सपीरियंस है। यह प्रश्न मेरे द्वारा ओरिजिनल क्रिएट किए गए, जो अभी किसी किसी किस कहीं भी आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये इस वर्ष जारी होगा, बहुत से बुक में आप लोगों को ये सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो यह मेरे साथ एक अलग आपको एक्सपीरियंस होल्ड करने को मिलेगा। तो ये सारे प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं, मैं इसी आधार पर आप लोगों के सामने हूँ। युक्ति आई से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, तो आप जुड़ सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से आप गूगल ऐप डाउनलोड कीजिए, युक्ति का इस प्रकार का लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा, और नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है जो सभी जगह अवेलेबल होता है, तो वो आप लोग सबमिट करके जुड़ जाइए, या विजिट कीजिए www.yuktiis.in पर। और यूक्तिआईएस प्लेटफॉर्म से आप जैसे ही जुड़ेंगे आपको टेस्ट अवेलेबल यहाँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिल जाएगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेन्स दोनों का। आपको विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भी टेस्ट आप लोग दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी टेस्ट यहाँ अवेलेबल है। तो
तो ये अगर आप इस होलिस्टिक पैकेज को लेते हैं तो आपको 399 में आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये तीनों अलग अलग लेते हैं तो 199 में आपको प्रत्येक में 500 टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। और दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए है। और क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं है, बहुत सा रिव्यू आया है। तो आप इसे ज़रूर देखिए, एक बार विजिट किए। साथ में बहुत से एग्ज़ाम है, जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेती है उन सभी का यहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। तो आप लोग जरूर जुड़िए। साथ में हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को अभी ही कोचिंग बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यूपीएससी का टेस्ट सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोग को 51 टेस्ट लिए जाएंगे और इसका मात्र फी रखा गया 1500। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है दिए गए नंबर से आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के लिए है, तो आप इसे देख लीजिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि इस पर समय लंबा हो जाता है, तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं इसे जल्दी अब समाप्त करूंगा। जैसे यूपी पीसीएस का भी 21 टेस्ट चल रहा है, जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इसमें आप भाग ले सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 299 में आपको 21 टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। जिसमें आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट आप ऐप पर दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। साथ में आपको वीडियो एनालिसिस भी कराया जा रहा है, सभी टेस्ट का एनालिसिस कराया जाता है। और इसका आपको हिंदी इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट के स्टूडेंट इसको में सबमिट हो सकते हैं। ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है 21 मार्च से ही, तो आप जो भी स्टूडेंट हैं इस पर भाग ले सकते हैं। दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए जो भी समस्या हो समय। और ये बार कोड को स्कैन करना ना भूलें, यह टेलीग्राम का बार कोड है, या इसे स्कैन कीजिएगा। अभी मोबाइल से जस्ट स्कैन कीजिएगा आप, तो ये आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट लिंक कर देगा। तो आप वहाँ पर मेगा क्विज यहाँ से दे सकते हैं। आप लोग जरूर वहाँ पर जाइए, सबमिट हो जाइए। 67 बीपीएससी का भी रनिंग फेज है, तो आप लोगों को यहाँ पर 199 में आप लोगों को 21 टेस्ट अवेलेबल कराया गया है। और जो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए जो भी अभी तक नहीं लिए इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम ओरिएंट टू दी पॉइंट आप लोग प्रश्नों को दे और आप एग्ज़ाम तक उन प्रश्नों को कैरी करिए और अच्छे से आंसर दीजिए और अपना पीटी में सिलेक्शन तय कीजिए। चलिए और नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, हाँ, ये आप लोगों को देखना है। ये लूसेंट बूस्टर के नाम से एक सीरीज चल रहा है ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए। आप जो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें जीएस का पार्ट और आपको जीके का पार्ट अगर कहीं पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें लूसेंट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहाँ से सारगर्भित रूप से प्रश्नों को, टॉपिक को कवर किया गया है। तो उसी को ध्यान में रखते हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंटों के लिए 600 से अधिक क्वेश्चनों का एक सीरीज चलाया गया, जिसमें आपको 199 में आप लोगों को यह सीरीज अवेलेबल होगा, जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं ऐप या वेबसाइट दोनों जगह। साथ में आपको पीडीएफ प्राप्त होगा और आपको वीडियो भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो ये आप जरूर है कि आप लोग इसे ज़रूर शामिल होइए और जो भी कन्फ्यूज़न हो आप उसे दूर कीजिए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्ज़ाम तक आप एक कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर जाए और अच्छे तरीके से पीटी दे और क्लियर करें अपना पीटी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे, आज का जो सीरीज चल रहा है जनरल साइंस क्वेश्चन सेट वन ये रहेगा नाम इसका है, जिसमें आपको 20 प्रश्न होगा विथ एक्सप्लेनेशन किया गया है। और एक्सप्लेनेशन को बहुत बेहतर तरीके से किया गया, उन्हीं एक्सप्लेनेशनों को शामिल किया गया किसी प्रश्न में जो एग्ज़ाम तक वो कैरी करे, या अनर्गल चीज़ों को शामिल नहीं किया गया। एग्ज़ाम ऑफ व्यू से, जो पॉइंट्स ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन्हीं टॉपिकों को शामिल किया गया है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न देखते ही सबसे पहले आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो आंसर देना ना भूले ताकि जो भी चीज़ें हैं आप लोग देख सकते हैं। तो 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकेंड। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। कुछ इरर हो गया इसीलिए थोड़ा सा, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए आप लोग, मैं ठीक कर लूँ। पहला प्रश्न क्या आप लोग के लिए है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह सब प्रश्न आप लोगों को कैरी कर सकता है। तो पहले प्रश्न में हम लोग आते हैं, क्या
आप लोग जैसे ही प्रश्न देखते हैं इसका आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए ताकि एक्टिव मोड में आप लोग काम कर सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। सापेक्षता का सिद्धांत निम्नलिखित में किनके द्वारा दिया गया है, या निम्नलिखित में किनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए एक्चुअली बीपीएससी का भी एग्जाम है, इसलिए ऑप्शन ई को शामिल किया गया है ना। अनर्गल जो आप वन डे एग्जाम का तैयारी जो करते हैं वो केवल डी तक ही समझिएगा। जहाँ ई ऑप्शन होगा मैं वहाँ ऑप्शन को बता दूंगा, इसलिए सभी स्टूडेंट इसमें शामिल हो जाएं, इसलिए ऑप्शन ई को भी शामिल कर लिया गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि केवल ये बीपीएससी ओरिएंट है, ये बीपीएससी ओरिएंट है, सारे जनरल साइंस को कवर किया गया है इसमें। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं आइंस्टीन, दूसरा न्यूटन, तीसरा पास्कल और ऑप्शन डी फ्लेमिंग। और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई जो बिहार में स्पेशल ऑप्शन होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अगर आप 100% नहीं है प्रश्न में आप लोग, तो आप आंसर नहीं दे सकते हैं। ऑप्शन ई का मतलब यही होता है, आप यहाँ पर तुक्का नहीं मार सकते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता हो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, तब तक ऑप्शन ई आप नहीं जा सकते हैं या ऑप्शन नहीं दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ये होगा, आइंस्टीन के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था और बहुत महत्वपूर्ण ही सिद्धांत था। इसी के आधार पर उनकी जो वैज्ञानिकता को आज तक हम लोग समझते हैं। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर शामिल किया गया है। देखिए आइंस्टीन प्रसिद्ध समीकरण जो था ई ई बराबर एम सी स्क्वायर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सूत्र है जो जो साइंस के स्टूडेंट है इस सूत्र के बिना वो अधूरे हैं। सापेक्षता का सिद्धांत समीकरण दिया था इनके द्वारा। देखिए यहाँ पर हम लोग जनरल व्यू बात करेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाने की जरूरत है, केवल एग्ज़ाम ओरिएंट हम लोग बात करेंगे कि हमसे कितने प्रश्न यहाँ से कैरी करके एग्ज़ाम तक जा सकता, उन सभी चीज़ों को शामिल कर दिया गया है। इसलिए ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, मैं इस पर चल जाऊँ ई एम सी स्क्वायर क्या होता है, उसको सूत्र को मैं सॉल्व करने लगूँ तो ये सब चीज़ें अनर्गल हो जाएंगी, इसलिए एग्ज़ाम ओरिएंट बातें करनी है यहाँ पर। चलिए वर्ष 1905 में, ध्यान रखिएगा वर्ष 1905, इसे जरूर याद रखिएगा, जर्मन भौतिक भी जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत किया। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कब दिया गया? तो 1905 में दिया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं, बल्कि एक दूसरे संबंधित भौतिक इकाई और प्रत्येक वस्तुओं में उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा होती है। तो देखिए एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है, यह स्टेटमेंट दे देगा यह किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो यह सापेक्षता के सिद्धांत को स्पष्ट करता है, यह किनके द्वारा दिया गया, यह भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। इसलिए आप इसे याद रखिएगा कि आप जो ये सिद्धांत है, जो द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे स्वतंत्र नहीं होता बल्कि एक दूसरे भौतिक इकाई है और प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा होती है, यही सापेक्षता का सिद्धांत उनके द्वारा स्पष्ट किया गया था। अर्थात द्रव्यमान और ऊर्जा एक भौतिक इकाई है, क्या है? भौतिक इकाई है और एक दूसरे से परिवर्तित हो सकते हैं, इस रूप से इसे कहा गया था। जहां द्रव्यमान ई एम सी स्क्वायर में, जहां द्रव्यमान एम है और सी प्रकाश का वेग है, इसलिए एम सी स्क्वायर यह सूत्र दिया गया था। वह सूत्र याद है, इसे अतिरिक्त ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, नहीं तो चीज़ें बहुत आप लोग मिसगाइड होते रहिएगा। इसलिए एग्जाम ओरिएंट बात करनी है, बाकी चीज़ें अगर किसी को जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ई एम एम सी एस पर क्या होता है उसे मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रश्न देखते ही आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए ताकि और भी बेहतर तरीके से आप लोग एक्टिव मोड में आए और इस सीरीज का जो सफल हम लोग बना सके, आप लोगों को प्रश्न अच्छा लगेगा। चैनल को जरूर शेयर किया कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके, अपने दोस्तों को रेफर किया कीजिए ताकि हम जो प्रयास लेके आ रहा है, युक्ति आयुष आप लोग के लिए प्रयास लेकर आ रहा है, तो ये आप लोग को सफल बनाए, हमें उस उद्देश्य की पूर्ति करने में हमें भी सफल बनाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभिदृश्यक, ध्यान रखिएगा अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी के अनुपात में किसके लिए एक अधिक होगी। तो जो अभिदृश्यक है अर्थात प्रकाश की फोकस दूरी जो किसी नेत्रिका के फोकस दूरी के अनुपात के बीच के अधिक होगा, कौन सा है? इसमें दर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शक में, या सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शक दोनों में, लेंस में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक दिए गए लेंस सूक्ष्मदर्शी में किसमें यह अनुपात एक दूसरे से अधिक होगा। यह प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के रीजनिंग बेस्ड प्रश्न साइंस में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, यह प्रश्न आप लोगों को पूछ सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, दूरदर्शक के रूप में यह अनुपात अधिक हो जाता है।
चलिए एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। नेक्स्ट हम लोग का वीडियो भी स्लाइड अब आएगा पिक्चर सहित, तो बहुत सी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे क्या है नहीं है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिया गया, नहीं ज़रूरत है नहीं चीज़ें दी गई है। इस चीज़ को समझिए, दूरदर्शक के लिए अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका और फोकस दूरी का अनुपात 1 से अधिक होता है। कितना से अधिक होता है? 1 से अधिक होगा। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अभिदर्शक की फोकस दूरी व नेत्रिका की फोकस दूरी 1 के अनुपात से अधिक होता है। तो यह प्रश्न आपको इस रूप से जाननी है, यह प्रश्न आपको इस रूप से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर, एक पिंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना, जैसे ही प्रश्न देखिए आंसर देने का प्रयास कीजिए। साइंस वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो जरूर प्रयास कीजिए कि आप लोग आंसर दें, और जो आप लोग को डर लगता है कि नहीं एग्जाम में मेरा ये प्रश्न सॉल्व होगा या नहीं होगा, देखिएगा अभी जस्ट मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। इस रूप से आप लोगों को एक्सप्रेशन दिया गया है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपण किया जाता तथा यह पुनः धरातल पर गिरता, तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। देखिए रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन प्रश्न है, अर्थात कहने का मतलब एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है और ऊर्ध्वाधर पुनः वह धरातल पर गिरता है, तो इसके बीच स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, धरातल पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, वापस यात्रा के दौरान अधिकतम होगी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर इसमें देखिए आप लोग ऑप्शन दीजिए ए बी सी डी ई में, और धरातल और अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिक होगी, अर्थात कहने मतलब ये धरातल यहाँ पर अधिकतम होगी, यहाँ पर अधिकतम होगी, लोएस्ट और हाइएस्ट पर भी अधिकतम होगी, या उपरोक्त में कोई नहीं एक से अधिक। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग क्या है, धरातल पर अधिकतम होगी, यहाँ पर अधिकतम होगी किसी वस्तु का भार स्थिति ऊर्जा, या सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। तो यह सही उत्तर इसका, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम ऊंचाई पर ही जाके किसी वस्तु का जो भार होगा वह स्थिति ऊर्जा होगा अधिक होगा। चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु के विशेष स्थिति अथवा विकृति के कारण जो उत्पन्न उत्पन्न होती है ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा का मतलब क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, एम जी एच। एम जी एच क्या है, एम जी एच एम द्रव्यमान है, जी गुरुत्वाकर्षण बल है, और हाइट है आपको ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एम जी एच से गुना कीजिएगा इंटू कीजिएगा, एम जी एच कितना हाइट पर गया है, वस्तु का भार कितना है, और एम या कॉन्स्टेंट गुरुत्वाकर्षण बल कॉन्स्टेंट होता है, जानते ही सभी लोग। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गुरुत्वाकर्षण का मान कितना, ये सब तो ये है बचपन से आप लोग इसे पढ़ रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में बताइए उसका मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गुरुत्वाकर्षण का मान, क्योंकि बच्चे से ही आप लोग पढ़ इसे समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ सिंपल सा अगर पूछा भी जाए तो आप लोग इसे इनपुट करके भी, डाटा को इनपुट करके भी बता सकते हैं कि स्थिति जो है सर्वाधिक कहाँ होगी। अगर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान क्या है, उसका हाइट क्या है, और एम जी जी को गुरुत्वाकर्षण को इंटू किया जाए तो सर्वाधिक भार कहाँ होगा, हाइट जितना ऊपर जाएगा उसका स्थिति ऊर्जा बढ़ता जाएगा। इस रूप से भी प्रश्न आपको देख सकते हैं, क्योंकि सतह पर उसका हाइट क्या होगा, जो ऊंचाई जो होगा उसका मान वो 0 हो जाएगा, इसलिए आप इस रूप से जान सकते हैं इस प्रश्न आपको इसे ऐसे भी सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे तो प्रश्न इस सेगमेंट से प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है एग्जाम में दर्पण से। तो चौथे नंबर प्रश्न पर हम लोग आते हैं, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अवतल दर्पण, देखिए अवतल दर्पण इसके वक्रता पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा, या अनंत ये और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उपयुक्त कोई नहीं एक से अधिक का। सही उत्तर आप लोग बताइए ए बी सी डी में क्या सही उत्तर होगा, ए बी सी डी में सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी, तो सही उत्तर क्या होगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। देखिए वक्रता केंद्र क्या है, यहाँ पर आप लोगों को अवतल दर्पण में बनेगा, आप लोग ध्यान रखना है, प्रश्न यहाँ से ही पूछा जाता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट है, यहाँ देखिए थ्योरी नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट प्रश्न को समझना है और आंसर उसको आप लोग ध्यान में रखिए। ये सब चीज़ें आप लोग 8th 9th में पढ़े होंगे, अगर इसको समझाने के लिए तो उसको क्लासेज ली जाती है, इसके लिए साइंस की क्लासेज होगी जब स्टार्ट, तो आप सब चीज़ लास्ट आवर में क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल अगर आप पहले कभी पढ़े होंगे अवतल दर्पण क्या है, प्रतिबिंब क्या है, और उसके बीच का अंतर संबंध क्या है, उतना सही समझ जाएगा क्या है नहीं चीज़ें। मैं इतना उम्मीद करता हूँ कि लास्ट आवर पर आप इतना चीज़ जान रहे होंगे, इसी को ध्यान में रख के हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट किए हैं। यह स्टार्टिंग नहीं है, कहने का मतलब यह साइंस का स्टार्ट नहीं है, जो मैं 0 से लेकर 100 तक पहुँचाऊँ आप लोगों को,
बस मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बेसिक नॉलेज तो जरूर होगा, जो एग्ज़ाम तक अब 1 महीने एग्ज़ाम है, तो कोई स्टूडेंट ये भी नहीं बोल सकता है कि मुझे बेसिक का भी नॉलेज नहीं है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इतना बेसिक नॉलेज जनरल साइंस में रखे होंगे जो एग्ज़ाम में बहुत से प्रश्नों को सॉल्व कर सके। कुछ प्रश्न डाउट होते हैं तो उसे मैं ध्यान में रख के इस सीरीज़ में शामिल कर दूंगा, आप बस उसे देख लीजिएगा और चीज़ों को समझ लीजिएगा, आंसर आप लोग को मिल जाएगा एग्जाम हॉल में। चलिए, अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी गई वस्तु प्रतिबिंब के दर्पण और परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र पर बनता है, तो ध्यान रखना है ऐप कहाँ बनता है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र पर बनता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में आप लोग को कहाँ बनेगा, आप लोग को इस रूप से बनेगा, तो ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को ध्यान में आगे रख के आप लोग को प्रश्न सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, 1 सेकेंड। चलिए, 5वें नंबर प्रश्न में क्या है, 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों को क्या पूछ रहा है देख लीजिए, पेन स्लाइड कर लूँ। किसी समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है कि क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, शून्य और अनंत के बीच होता है, शून्य और अनंत के बीच होगा, कहीं इधर होगा, या शून्य और एक के बीच होगा, शून्य और एक के बीच होगा, शून्य और एक बूंदी हो उसके बाद अनंत होता है उसके बीच होगा, ये उपयुक्त रूप से कोई नहीं, एक से अधिक, तो समतल दर्पण के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर आपको अनंत पर होगा, क्योंकि समतल दर्पण की यहाँ बात की जा रही है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उसकी अनंत होती है, तो ही तो हमें इस रूप से प्रतिबिंब देखने को मिलता है। देखिए M1 और M2 दो दो आधार है, समतल दर्पण के दो आधार, उस पर एक प्रकाश आता है, उसका प्रतिबिंब जस्ट आते ही अपोजिट हो जाता है, या यहाँ देखिए इस रूप से समझते हैं, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, प्रकाश जैसे ही पड़ता है अभिबिंब पड़ता है, परावर्तन कोण दोनों का सेम होगा, आर सेम होगा, पर इसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनेगा, इसका वक्रता त्रिज्या अनंत पर होता है। चलिए दूसरे फिगर से हम लोग समझते हैं, अब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, दर्पण और केंद्र पेन सेलेक्ट कर लो नहीं तो आगे स्लाइड हो जाता है, केंद्र और उसके बीच की दूरी के दर्पण को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, अर्थात केंद्र और उसके ध्रुव के बीच की दूरी जो होगी उसके दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या शून्य और अनंत के बीच होगा, ऑप्शन सी, सॉरी 1 सेकेंड, इसका सही उत्तर सी नंबर होगा, देखिए कुछ इरर हो जाता है इसलिए ध्यान में, संपद वक्रता त्रिज्या पूछ रहा, सॉरी इसलिए मैं उस समय भी बता रहा, देखिए मैं आर आर बता रहा था, इसलिए चीज़ें देखिए होता है क्या है कि कन्फ्यूज़न फ्लो में निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ह्यूमन एरर हो जाता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, समतल दर्पण आप लोग ध्यान रखिए ऑप्शन बी से कर ली, ऑप्शन सी कर लीजिएगा, त्रिज्या और शून्य और अनंत के बीच होगा, तभी तो इस प्रकार का फिगर बनेगा। यहाँ से समझिए क्या है यहाँ पर, 1 सेकेंड, स्लाइड इसमें इशू हो गया है, दर्पण की चिकनी सतह जो होती है दर्पण ये है, आपतित किरण क्या होगा, परावर्तित किरण क्या होगा, वस्तु ये है, आभासी प्रतिबिंब देखिए यहाँ बनेगा, इसलिए आँख देखिए यहाँ है, इसलिए अनंत पर जाके बनेगा, हम इधर से किसी वस्तु को देखते हैं और ये समतल दर्पण है तो इसकी प्रतिबिंब जाके अनंत पर बनेगी और 0 1 के बीच बनेगी, तो इसलिए आभासी प्रतिबिंब किरणें के दर्पण के पीछे आती प्रतीत होती है, इसलिए आभासी समतल दर्पण के रूप में, आप बताइए कमेंट में बताइए समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, या आगे अभी ये प्रश्न में आएगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखना है, लेफ्ट एंड इमेज और राइट हैंड आप लोगों को लेफ्ट अपोजिट लगता है, समतल दर्पण में आप लोग खड़े होते हैं तो क्या देखते हैं कि लेफ्ट हैंड जो आपका है वो राइट हैंड सामने नजर आता है, राइट हैंड लेफ्ट हो जाता है, इसी प्रकार सारे अंग उसी प्रकार से नजर आते हैं, राइट राइट लेफ्ट अपोजिट जस्ट हो जाता है, इसलिए समतल दर्पण की विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, चलिए प्रश्न आ गया 6ठा नंबर प्रश्न क्या है, शक्कर के घोल में शक्कर के निम्नलिखित में से क्या है, शक्कर का घोल अगर बनाते हैं हम लोग हैं तो उसमें शक्कर क्या है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसे आप लोग बताइए, शक्कर के घोल में शक्कर निम्नलिखित में से क्या होता है, कोलाइड होता है, विलायक होता है, या विलेयक या विलायक होता है, विलायक या कोलाइड होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह आप लोग को बताना है यह क्या होता है, यह आपको ऑप्शन आपको किस रूप से होगा बताइए, ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई जाएगा इसका, क्योंकि यह एक प्रकार का घोला होता है जिसमें विलायक और कोलाइड के रूप में कार्य करता है, और यह विलेयक होता है, इस रूप से आप लोग को ध्यान रखना, केवल केवल ऑप्शन अगर ये रहता सी में विलेयक तो विलेयक ही रहता माना जाता, ऑप्शन बी सी चला जाता, पर यहाँ पर विलायक बना दिया गया साथ में ऐड कर दिया गया, इसलिए शक्कर किस रूप से कार्य करेगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि
अगर ऑप्शन ई में कंफ्यूज, ऑप्शन ई में आप किसी भी प्रश्न को लेकर 100% श्योर नहीं है तो आप इसे नहीं बना सकते, क्योंकि ऑप्शन ई इतना खतरनाक है कि मत इसका पूछिए इसका हिसाब। इससे बहुत से स्टूडेंट बाहर भी हो जाते हैं, अंदर भी हो जाते हैं पीटी में। इसे हल्के में मत लीजिएगा। विलेयक वे पदार्थ है जिसे घोला जाता है, जिसे विलेयक कहते हैं। किसी भी पदार्थ में जिसे घोला जाए उसे विलेयक कहते हैं। ऐसे पदार्थ अपनी प्रकृति घोल में मिलकर खत्म हो जाती है, इसी प्रकार उसे और वे घुल कर अपने गुण के समूह में दे देता है। तो देखिए ऐसे विलेयक कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। पानी में कोई भी पदार्थ अगर मिलाया जाता है जिसमें जो मिलाया जा रहा है वो अपनी प्रकृति खो दे, प्रकृति खो दे, अपना रंग खो दे, तो वो विलेयक के रूप में होगा। और वो जो पानी है उसमें अपने गुण को समाहित कर देगा, ना कि पानी। पानी वैसे रंगहीन है, क्या कहते हैं, स्वादहीन रूप से माना जाता है एक द्रव, परंतु उसमें जो मिलाया जा रहा है विलेयक वही गुण बताएगा जो अपनी प्रकृति वास्तविक प्रति जो देखिए क्रिस्टली चीनी होता है, आकार जो क्रिस्टल होता है चीनी का, इसमें घुलाने के बाद वो द्रव तरल बन जाता है, इसलिए यह विलेयक के रूप में काम करता है। और विलायक क्या होता है यह आप लोग जान लीजिए। वह माध्यम जिसमें विलयन को घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। घोलने की प्रक्रिया को विलायक कहते हैं। जैसे अगर हम नींबू के पानी बनाने के लिए पानी और नींबू को घोला जाए तो नींबू विलेय होगा और पानी विलायक होगा। तो विलायक जो घोला किसी वस्तु को घोल अपने में समाहित कर रहा है वो विलायक कहलाएगा। देखिए इतना इजी फॉर्मेट में आप लोगों को बताया जा रहा है, इन सब चीज़ों को समझिए। और विलयन क्या होता है, विलयन और विलायक को मिलाकर जिस तत्व का निर्माण होता है उस तत्व को विलयन कहते हैं। अर्थात अब नींबू पानी का ही उदाहरण जब लिया गया है, जल एक वाटर है, वाटर है और नेमन है, नेमन का रस है, नेमन है, तो नेमन क्या विलय है, वाटर क्या है विलायक है, दोनों की प्रक्रिया विलयन कहलाएगा, दोनों समाहित हो जाएगा विलयन कहलाएगा। ये तीन फॉर्मेट किसी भी देखिए इतना इजी मत समझिएगा, नींबू पानी आप पीते हैं तो वो तीन फॉर्मेट पर काम कर रहा है, तो आप लोग इस रूप से समझिएगा। विलयन के अंदर विलेयक और विलायक दोनों के गुण होता है विलयन के अंदर। अर्थात जो जल का जो गिलास है, जो द्रव बनेगा नया द्रव, उसमें विलयन में दोनों विलेय और विलायक दोनों के गुण होंगे। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से दिए गए दिए ऑप्शन दे देगा उसमें से यह पूछ देगा, निम्नलिखित में से किसमें विलेय और विलायक दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा विलयन कहाँ है, तो आप लोग इस रूप से आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सातवां नंबर प्रश्न है, भविष्य का ईंधन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। यह बहुत इजी प्रश्न है पर एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, आपको ऑप्शन ए हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, हीलियम, उसमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आपको क्या होगा बताइए। कुछ काट लिया है कोई तो बात नहीं, हाइड्रोजन इसको बोला जाता है सही भविष्य का ईंधन, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग इसी बेस्ड एनर्जी को उपयोग में लाने वाले हैं। अब सरकार बहुत से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर कार्य भी कर रही है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है, इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। पहला, हाइड्रोजन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो पर्यावरणीय प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जाती है। देखिए यार थोड़ा सा कंटेंट क्रिएटिंग का इरर हो जाता है, इरर अगर हम किसी शब्द का कंटेंट बना रहे हैं उसमें कौन सा फॉर्मेट यूज़ हो रहा है, मंगल हो रहा है, या तो इस प्रकार से इरर हो जाता है, इसलिए ध्यान देने योग्य नहीं है। बस मैं बता दूं मुक्त भविष्य का या ईंधन के रूप में देखी जा रही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि अज्ञात ईंधनों में से प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा इस तत्व के सबसे ज़्यादा है। अर्थात मान लीजिए अभी हम लोग कोल का उपयोग कर रहे हैं और प्राकृतिक गैस का उपयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक तेल का उपयोग कर रहे हैं, इन सभी में से हाइड्रोजन का जो प्राप्त होगा प्रति इकाई इसका अधिक होगा। तो इसलिए यह ईंधन एक रूप से यह भी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यह स्वच्छ ऊर्जा का आप लोगों को उपयोग करता है, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, कहीं बाहर ना हो जाए। जलने के उपरांत क्या है, जलने के उपरांत आपको एक सेकेंड, जलने के उपरांत क्या होगा, या जलने के उपरांत या जल जल का उत्सर्जन करता है। वैसे भी आप लोग पढ़े ही होंगे हाइड्रोजन अंतिम रूप से किस रूप में टूट जाता है, आपको जल के रूप में टूटता है, इसलिए उत्सर्जन होता है। इसलिए यह न केवल ऊर्जा क्षमता युक्त है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। इसलिए हम लोग इस प्रकार के टेक्निक पर डेवलप हो रहे हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है और भी बेहतर तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा
वर्ष 2005 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति तैयार की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन, भंडारण, परिवहन, सुरक्षा, वितरण और अनुप्रयोग संबंधी विकास को नए आयाम देना। तो भारत सरकार 2005 में ही नया राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति घोषित किया। हाल ही में बताइए, कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित बहुत से प्रश्न आप लोगों को वीडियो में बताया भी गया है। कब तक हम लोग हाइड्रोजन बेस्ड ऊर्जा का उपयोग करने लगेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वाहन का कब उपयोग कर रहे हैं, इस पर प्रश्न आपको इस सबसे पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। हम लोग कितने प्रतिशत, कल ही मैंने आप लोगों को करंट में बताया, 100% विद्युतीकरण रेलवे में कब तक रखने का लक्ष्य है। तो ये सब हम लोग ऊर्जा के क्षेत्र में नवीन नवीन कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, तो उस सबसे प्रश्न आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न क्या है? 8वां नंबर यह प्रश्न है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? चूना का, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग पाउडर का या वॉशिंग सोडा का? उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप लोग बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? वॉशिंग सोडा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा हम लोग सरफ प्रचार आप लोग पहले पढ़ते होंगे, सुने होंगे, निर्मा का प्रचार इसी रूप से आता था, वॉशिंग सोडा निर्मा इस प्रकार का आता था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग होता है। देखिए बहुत सारे आप लोगों को ऐड इस रूप से भी आता है, आप लोग उसे भी ध्यान में रख के बहुत से प्रश्नों को दे सकते हैं। आप लोगों को अपने माइंड को एक्टिव रखना है, बस अपने आस पास के जो घटनाएँ घट रही उससे कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को समझना है। अब समझिए कि हम लोग अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो ऑप्शन दिया है उसमें किसका उपयोग होता है? चूना का हम लोग कभी उपयोग करते हैं? कभी देखे हैं कपड़ा धोने में चूना का उपयोग? हम लोग घर उसको रंगने में या जो फैनी सुरती लोग उपयोग करते हैं उसमें चूना का उपयोग करता है इस रूप से। तो कभी भी उसको घर कपड़े धोने में उपयोग नहीं करते। बेकिंग सोडा जो हम लोग खाने में डालते हैं, जो हम लोग कोई जैसे केक बनाते हैं या तो किसी पर दही बड़ा बनाते हैं या किसी प्रकार ऐसी सामग्री बनाते हैं जहाँ उसे फुलाना हो, तो बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर जो एक प्रकार का इस रूप से उपयोग करता है जहाँ काई हो या तो इस प्रकार से जहाँ हमको कचरा प्रबंधन करना है वहाँ पर अधिक गंदगी फैल गई तो आप ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। तो अगर मान लीजिए वो उस प्रकार के दाग धब्बे को हटा रहा कपड़े में डाले तो कपड़े पे कितना बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन देख के भी आप लोग समझ जाइए कि ऑप्शन क्या हो सकता है, आंसर क्या हो सकता है। अस्थायी कठोरता जरूरी नहीं है कि रटा ही जाए, याद ही किया जाए। ऑप्शन देखिए, उसके एक्सप्लेनेशन, जनरल कॉजेज यूज हम लोग किस रूप से कर रहे हैं ये भी समझ के आपको आंसर दे सकते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी आंसर दीजिए तो इन चीज़ों को आधार बना के ही दीजिए कि कब क्या प्रश्न को कभी मैंने अपने नॉर्मल जीवन में देखा है उस रूप से, तो यह आपको आसान बनाएगा आंसर देने में। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या एक्सप्लेनेशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक्सप्लेनेशन आगे देखने को मिलेगा क्योंकि इससे सारे जो चीज़ें हैं शामिल कर दिया गया है। वॉशिंग सोडा जो जल द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर करता है, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ पर फॉर्मेट भी पूछ सकता है, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, तो यह आप लोग को इस रूप से भी नाम दे सकता है, जिसमें क्रिस्टिकुलर जो क्रिस्टलीकरण है के पानी के 10 अणु होते हैं, हाइड्रोजन वो HO2 के 10 अणु होते हैं, जिसे सोडियम कार्बोनेट डेट्राहाइड्रेट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट नहीं देगा तो सोडियम डेका हाइड्रेट भी दे सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए, सोडियम कार्बोनेट डेट्राहाइड्रेट भी कहीं मिले तो उसे अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखिए इसका सूत्र क्या है, सूत्र है Na2CO3 CO3 और (10H2O)। यह सूत्र इसका है, याद रखिएगा। इस प्रकार के अगर प्रश्न में सूत्र के आधार पर भी दे तो आप लोग को सॉल्व करना है, तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। सोडियम कार्बोनेट जिसमें पानी की कोई क्रिस्टलीकरण नहीं है होता है उसे निर्जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडा एस कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है Na2CO3। केवल सामने वाला पहला वाला अगर सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेट्राहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट का आता है तो उसका जो पहला वर्ग है जिसमें HO2 नहीं मिलता था, सूखा जो सोडियम कार्बोनेट होगा वो क्या कहलाएगा, कार्बोन आपको सोडा एस के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, सारे डायग्राम सारे एंगल को समझ लेना। चलिए हम लोग इसका उपयोग देखते हैं। चलिए उपयोग क्या है एक्सप्लेनेशन के रूप में हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा पेन में सेलेक्ट कर लूँ। तब तक आप लोग लाइक शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और भी हम लोग बेहतर तरीके से काम कर सकें। थोड़ा सा 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। चलिए वॉशिंग सोडा के गुण क्या है इसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, वॉशिंग सोडा का गुण क्या है। चलिए
वाशिंग सोडा का गुण पहला है, वाशिंग सोडा एक पारदर्शी क्रिस्टलीन ठोस पदार्थ है। तो देखते होंगे जब भी सरफ लाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्रिस्टलीकरण होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, वही क्रिस्टलीकरण ठोस पदार्थ है। यह धातु में कार्बोनेट्स में से एक है जो पानी में घुलनशील होते हैं। जैसे ही आप लोग देखते हो सरफ लाते होंगे तो पानी में डालते घुलनशील हो जाता है, तो दूसरा इसका गुण है। पानी में वाशिंग सोडा का समाधान क्षारीय होता है, देखिए क्षारीय होता है, तथा जो लाल लिटमस को नीले रंग का कर देता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग को इस प्रकार से भी प्रश्न करता है, वाशिंग सोडा लाल लिटमस को किस रूप में परिवर्तित कर देता है, तो नीले रंग के में परिवर्तित कर देता है। देखिए लिटमस पर्त वो होता है जिसमें आपको रंग कलर कलर का अलग उसमें गुण होता है, किसी में अगर लाल होता है तो वो नीला हो जाएगा, या लाल से वो हरा हो जाएगा, लाल से पीला, जो अलग अलग धातु वस्तु जो द्रव है उस पर निर्भर करता है। यह क्षारीय गुण यह रखता है, ध्यान रखिएगा वाशिंग सोडा क्षारीय गुण होता है, ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। वाशिंग सोडा जो होगा डिटर्जेंट या सफाई सफाई के गुण होते हैं, जो एक गंदे कपड़े की गंदगी या तेल के धब्बों को हटा सकते हैं। देखिए जनरल आप लोगों को गुण इसको समझना है, अगर तेल का बर्तन है उसमें हम सोडा सरफ से धोते हैं तो देखिए वो साफ हो जाता है बहुत ईजी से, इस यह भी एक इसका गुण है। वाशिंग सोडा का गलनांक कितना होता है, 851 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, देखिए कितना इसका गलनांक है। आप ऐसे हम लोग नॉर्मल पानी में जाते हैं मिला देते हैं वो घुल जाता है, पर उसका गलनांक वास्तविक रूप से जब हम वैज्ञानिक प्रगति से प्रयोगशाला में इसको गलाएंगे तो 851 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये गलेगा। वाशिंग सोडा का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, पानी के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए क्या किया जाता है, कांच साबुन और कागज के निर्माण में भी इसका किया जाता है, ध्यान रखिएगा। बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के निर्माण में भी किया जाता है, बोरेक्स पेपर का आप लोग नाम सुने होंगे, बोरेक्स पाउडर का नाम सुने होंगे, उसके यौगिक के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ में पेपर कपड़ा साबुन डिटर्जेंट रूडियो और लॉन्ड्री में भी इसका उपयोग करते हैं। देखिए ग्लास कांच का ग्लास जो बनाता है, फ्रेमिंग जो ग्लास होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है, सोप में तो जाने जाए साबुन में, और साथ में पेपर इंडस्ट्री में इस भी इसका उपयोग किया जाता है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग को इन सब चीज़ें याद रखनी है। चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तब तक अच्छा प्रश्न का सिलेक्शन है, एक्सप्लेनेशन अच्छी है, लग रही है आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जरूर चैनल को शेयर किया कीजिए, अपने दोस्तों को रेफर किया कीजिए, और हमारे जो सब्सक्राइबर 10,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है वो जल्द से जल्द पूरा करने में सहयोग कीजिए, ताकि और भी इनोवेटिव तरीके से हम लोग आगे आ सके, काम कर सके, क्योंकि उसके बाद ही मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ला कर आप लोगों को नए एक एक्सपीरियंस को होल्ड करवाऊंगा, अभ्यास कराऊंगा, क्योंकि पहले रिस्क लेना बुद्धिमानी नहीं है जब तक आप लोग नहीं कीजिएगा सपोर्ट, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ध्यान रखिए, शेयर किए करते रहिए चीज़ों को, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ें हैं, आप लोग को कम से कम सामग्री में अधिक से अधिक आउटपुट निकालने की कैपेसिटी हम लोग रखते हैं। हमारी टीम ऐसी है, हमारे टीम के जितने भी मेंबर हो 10,000 से अधिक कंटेंट ओरिजिनल क्वेश्चन बनाने के, कंटेंट क्रिएट करने के उनका एक्सपीरियंस है, समझ सकते हैं कितना है, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगला डाटा जब अपडेट होगा तो वो लगभग 50,000 के आसपास हो जाए, क्योंकि बहुत से प्लेटफॉर्म वो लोग काम कर रहे हैं। तो जो अगला जो स्लाइड रिलीज़ किया जाएगा आपको जल्द अप्रैल मई जून तक वो आ जाएगा डाटा, तो डाटा जब तक मई जून में आएगा तो 50,000 से अधिक आप लोगों को डाटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो देखिए आसान चीज़ें नहीं है, ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना जो एग्ज़ाम तक कैरी कर जाए ये आम बात नहीं होती है, और जो भी क्वेश्चन सिलेक्शन देख रहे होंगे आपको एग्ज़ाम किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप से पूछा जा सकता है या पूछा गया होगा, तो ये ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, लाइक शेयर बटन का दबाते रहना है, हम लोगों को सपोर्ट करते रहना है। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने से दुधिया हो जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित दिए गए कौन से गैस के कारण जो चूना हम लोग रखते हैं पानी में वो दुधिया हो जाता है, या उसका रंग आपको दुधिया दूध का कलर के टाइप हो जाता है, दूध नहीं होता ध्यान रखिए दुधिया हो जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, ऑप्शन ई बिहार में जो है। तो जो भी अभ्यर्थी इसको देख रहे हैं आपका इसका आंसर दे सकते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ही इजी इजी आंसर है इसका, देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण चूने में पानी के आयु रखने पर यह दुधिया हो जाता है, जो वायु के साथ अभिक्रिया करके यह दुधिया हो जाता है। अगर इसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मुक्त जगह पर रखें तो इसका रंग दुधिया नहीं होगा, तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। चूना कैल्शियम युक्त एक अकार्बनिक यौगिक है पदार्थ है, जिसमें
कार्बनेट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रमुख है, तो ये तीन आपको तत्व देखने को मिलेगा पदार्थ, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार के लाइन में आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की भी चूना माना जाता है, तो दोनों आप लोग इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है। ये आप लोग ध्यान रखना कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के जीवन के लिए आवश्यक है। ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो हम लोग क्या नहीं प्राप्त कर सकते, ऑक्सीजन भी हम लोग उसका आउटपुट नहीं प्राप्त कर सकेंगे, तो बहुत सी चीज़, क्योंकि पृथ्वी आपको पेड़ों को इस जीवित रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, तो ही तो रिलीज करेंगे ऑक्सीजन, तो ही तो हम लोग जिंदा रहेंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गैस के रूप में। हालांकि इसका मात्रा बहुत कम मात्रा है, पृथ्वी पर 0.03% से भी कम है, तो ध्यान रखिएगा यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। हालांकि यह प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ध्यान रखिएगा यह प्राकृतिक रूप से, यह किसी कहीं हम लोग इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाते हैं। हालांकि प्रयोगशाला यूज के लिए हम लोग बना सकते हैं, पर प्रयोगशाला यूज के लिए हम लोग जनरल वे में नहीं, ये रहता है ये प्राकृतिक रूप से विस्तृत है, जैसे ऑक्सीजन है, ओजोन है। इसी रूप से जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला तेल के जलने के मुख्य तौर पर कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही जवाबदेह गैस हो जाता है, इसलिए आप लोग आगे हम लोग देखेंगे इससे संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां नंबर पर, जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है, कोयला अर्थात कोल जिसे बोला जाता है, COL कोल, तो कौन सी गैस घुटन या मृत्यु का कारण बनती है। दिए गए गैस गैस का नाम है, उसमें कौन सा कारण गैस है जो घुटन या मृत्यु का कारण बनती है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या है, इथेन, मिथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ई या उपयुक्त में से एक में से अधिक, तो ऑप्शन ई में से दोनों में से क्या हो जाएगा सही उत्तर बताइए। सही उत्तर ऑप्शन इसका सी होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के कारण यह होता है। ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे आगे। चलिए क्या है, जब बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, जो कि एक बहुत ही विषैली गैस है। देखिए CO2 मात्रा में अधिक हो जाए तो विषैली हो जाती है, अगर यह संतुलित रूप से समान रूप से हो तो ये हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम जब जब इकोसिस्टम को बनाने के लिए CO2 एक लिमिट में बहुत जरूरी होता है, अगर इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो वह इन्वायरमेंट को हार्म करती है, नहीं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। इसी अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो वो किसी भी स्थिति में रहे या विषैली स्थिति में रहती है, जो यदि यह गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है। क्यों, क्योंकि यह गैस क्या होता है, जहरीली, गंधहीन और स्वादहीन होता है, इसलिए जब यह कमरे में किसी प्रकार का हम ज्वलनशील वस्तु रखते हैं जहाँ से धुआं निकलता है, या अध जले वस्तु को हम जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ से निकलता है और वह स्वादहीन होता है, तो इसलिए हम लोग सोए रहते हैं तो पता चलता है कि वो उनका काम क्रिया सुबह सुबह समाप्त हो गया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग जब भी इस प्रकार के कोयले को जलाइएगा, ठंड के दिन में अलाव जलाइएगा रूम में, तो खिड़की दरवाजा खिड़की कम से कम खोल के रखिएगा, नहीं तो पता चला ठंड से बचने के लिए गरम गरम कोयले का अलाव लगाए थे रूम में, जिसे हम लोग यूपी और बिहार के जनरल भाषा में बोलते हैं क्या, वो जो अलाव जलाने के लिए जो आप लोग को यूज में लाते हैं उसे गोरसी बोला जाता है, उसे उन लोग हम लोग सामने ला के अपने बेड के नीचे रखें या तो हीटर रखें, इसलिए यार नए नए एक्सपेरिमेंट अब आ चुके हैं, हीटर भी लोग उपयोग करता है, तो उसमें भी बहुत सी चीज़ें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड हीटर से होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ऑक्सीजन जो वहाँ है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो जिससे वो गर्म, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सुबह सुबह कहानी सारे लोगों का ख़त्म हो जाता है। ऐसी घटना आप लोगों को बार बार देखने को मिली होगी, न्यूज़ में सुनते होंगे कि रात को सोया दिन में सभी परिवार साफ हैं, तो इस प्रकार की घटना नहीं कीजिएगा। ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा कीजिएगा ठंड के दिनों में तो खिड़की दरवाजे खोल के सोइएगा, कम से कम ना तो खिड़की तो जरूर खोल लीजिएगा, नहीं तो दरवाजा खोलिए तो चोर भी आ जाएगा। तो साइलेंट किलर के रूप में इसे इस गैस को नाम जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न एक ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस गैस को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तेल, कोयला, लकड़ी जैसे ईंधन पूरी तरह से नहीं जलने से बनती है, यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है। कैसे नहीं बनती है, नहीं जलता है, इसके आधार पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। तो आपको नेक्स्ट प्रश्न वो देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को देखिए, स्लाइड थोड़ा धीरे ओपन हो रहा है, कुछ इश्यू है, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए, कोई बात नहीं है।
कवकों के अध्ययन अर्थात जो हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है उसे? पॉलियो बॉटनी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, मार्फोलॉजी कहा जाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, माइकोलॉजी होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। तो आप लोग ध्यान रखना है, ये एक्सप्लेनेशन देख लेना है क्या एक्सप्लेनेशन के तौर पर। माइकोलॉजी 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 जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कवक विज्ञान उनके जैव रासायनिक या विशेषताओं के अनुवांशिक विशेषताओं के आदि एक मानव कल्याण हेतु आयुर्विज्ञान हेतु या अनुसंधान किया जाता है इसमें कवक विज्ञान में। कवक के पर्ण हरित जो विदाउट फल्गी जो होते हैं, या एक गुण इसका है, कवक जड़ तना और पत्ती नहीं होता है कवक में। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना, कवक में जड़ तनाव पत्ती भी नहीं होता है। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, कवक परजीवी मृतजीवी भी होते हैं और बीजाणुओं के द्वारा जन्म करते हैं, तो यह कौन किस रूप से होते हैं? परजीवी मृतजीवी और सहजीवी। कुछ कवक तो सहजीवी भी होते हैं, साथ में भी एग्जिट करते हैं, साथ में जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछ सकता है। ये सब चीज़ें टर्म है, बहुत सी चीज़ें आप लोग साइंस में पढ़ चुके होंगे, मैं तो इतना उम्मीद कर ही रहा हूँ। आप लोग ज़्यादा चीज़ों को समझिए नहीं, बस उतने चीज़ों को समझिए जो टर्म में यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, देखिए प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है, यहाँ पर एक्चुअली ये डिलीट करना था, नहीं नहीं कवक था यहाँ, सवाल है, सॉरी सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा, शाखा को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पोमोलॉजी, टेरिडोलॉजी या ऑप्शन कोई नहीं, या एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर को फाइकोलॉजी इसको कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। चलिए बहुत से और भी अध्ययन का नाम लिया जो महत्वपूर्ण है, वो लोग याद कर लीजिएगा, इस स्लाइड को अच्छे से देख लीजिए। फाइकोलॉजी विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, अभी जस्ट आप लोगों को मैंने बताया, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑर्थोपेडिक्स किसे कहते हैं, अर्थी उपचार के अध्ययन को ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। आर्बोरी कल्चर किसे कहते हैं, पेड़ के उत्पादन संबंधित विज्ञान को आर्बोरी कल्चर कहते हैं। इकोलॉजी किसे, जीव विज्ञान और के बीच पारस्परिक संबंध के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं, या इको सिस्टम जिसे नाम देते हैं। इकोलॉजी इथोलॉजी किसे कहते हैं, प्राणियों के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं, देखिए सब जो लॉजी लॉजी नाम आ रहा है एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसे याद कर लीजिएगा, याद करने के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले भी आप लोग याद किए हो, पर महत्वपूर्ण जो है इसे मैं यहाँ शामिल कर दिया हूँ, इन सब चीज़ों को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है एको स्टेटिस क्या है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। एपिकल्चर क्या है, मधुमक्खियों के अध्ययन, देखिए कितनी बार यह पूछा है। एपिग्राफी क्या है, शिलालेख के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, एपिलेखी कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। एरोनॉटिक्स क्या है, वायुयान के अध्ययन को एरोनॉटिक्स बोला जाता है। एस्ट्रोनॉमी क्या है, खगोलीय पिंडों के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनोलॉजी क्या, मानव और ग्रह के नक्षत्र प्रभाव को एस्ट्रोनोलॉजी कहा जाता है। तो इस प्रकार के बहुत से आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, बहुत जल्द समाप्त हो रहा है, 20 प्रश्न है, 13वां है, साथ जल्द ही समाप्त हो जाएगा। आप लोग सब्र के साथ बने रहिए, शेयर करते रहिए, आप लोग लाइक शेयर का बटन दबाते रहिए, कमेंट करते रहिए, तभी एक्टिव मोड में काम कर सकिएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस वायरस की खोज सर्वप्रथम की गई थी, दिए गए वायरस का नाम यह है, तो इसमें सर्वप्रथम खोज किसकी गई थी, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो यह ध्यान रखने योग्य बात है, इसकी खोज कौन सी है। एच ऑप्शन देख लेते, HTLV, फिर HIV, TMV या पोलियो, तो सही ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, TMV नामक एक वायरस था जिसकी सर्वप्रथम खोज की गई थी। चलिए एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या है एक्सप्लेनेशन, कलर छूट गया है, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, इरर है, ह्यूमन इरर है। टोबेको मोजेक वायरस इसका नाम है, सब जान ही रहे हैं टोबेको, तो आप लोग याद आ गया होगा, अब जो बहुत से स्टूडेंट का टोबेको जब शॉर्ट फॉर्म पूछ दिया गया तो आप लोग कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि ये क्या है। तो टोबेको मोजेक वायरस एक विषाणु जो सबसे पहले आविष्कृत होने वाला वायरस था। इस विषाणु की खोज कौन किए थे, आइवेनो निवेस्की के द्वारा 1892 में की गई। यह विषाणु पतले लंबे और बेलनाकार संरचना वाले होते हैं। TMV प्रोटीन आवरण, देखिए प्रोटीन आवरण लगभग 2130 इकाइयों का बना होता है, जो केस्पियोरोमियर्स कहलाता है। तो देखिए ध्यान ध्यान में रखिएगा,
टी जो एम बी है टेबेको में जो क्यों वायरस सबसे पहले क्यों खोज किया था, किस वर्ष किया गया था, इसमें प्रोटीन विटामिन है। देखिए प्रोटीन विटामिन इस बार बहुत बार चर्चा में रहा इस वर्ष, क्योंकि बहुत से वायरस जो आए हैं उसमें वर्गीकरण पहले वीडियो बताया गया है, तो वो सब चीज़ें याद रखिएगा कौन सा प्रोटीन है, विटामिन संश्लेषित है। इस प्रकार से इसका वायरस जो है एंट्रो मानो रेट्रो वायरस के रूप में इसका खोज किया गया था। एचआईवी जो फर्स्ट खोजा गया पहला आपको रेट्रो वायरस के रूप में थे, इसकी पहली खोज 1977 में की गई। दुनिया भर में पोलियो जो पोलियो पोलियो को का मुकाबला करने दो पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। पहला जोनाक साल्क ना द्वारा विकसित किया गया, जो वर्ष 1992 में उसका पहला परीक्षण किया गया और 1955 में साल्क द्वारा दुनिया को इसकी घोषणा की गई। और वर्ष 1984 में पहली बार शोधकर्ताओं ने एड्स के वायरस की एचआईवी की पहचान की थी। और 1982 में पहली बार सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन अमेरिका के द्वारा इस बीमारी के लिए एड्स टर्म का उपयोग किया था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, एड्स ये जो होता है यौन जनित संक्रमण बीमारी है, टर्म का प्रयोग सबसे प्रथम कब किया गया था, और 1982 में किया गया था। तो समझिएगा, याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। 1982 में 1984 में इसका क्या हुआ था, पहली बार शोधकर्ताओं ने एड्स का वायरस एचआईवी की पहचान की थी। तो ये सब प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अब याद है यहाँ पर आपको माइकोकॉन्ड्रिया से प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं, माइकोकॉन्ड्रिया में क्या है, 14 नंबर प्रश्न का। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखिए मानव शरीर में जो है उसमें कौन किसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, लाल रक्त कोशिका, यकृत, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, उपयुक्त कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए बी सी डी में आप दे सकते हैं। इसका सही उत्तर आपको मिलेगा ऑप्शन ए होगा, लाल रक्त कोशिकाओं में यह नहीं मिलता है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको मैं स्लाइड आगे बढ़ाकर पेन सेलेक्ट कर लूँ, अब आगे बताऊंगा। यह जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी शेष सभी पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव में अनियंत्रित रूप से बिखरे पड़े होते हैं, जो दोहरी झिल्ली वाला अवंध कोशिकाओं के और माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से क्या है, जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़ देना है, बाकी सभी पादप एवं जंतु कोशिकाओं में यह पाया जाता है। देखिए यहाँ पर डीएनए इसका क्या है, डीएनए जो संरचना होती है जो टेढ़ा मेढ़ा जो लकीर होता है डीएनए, ये आपको इसी तरह डीएनए होता है, जो डीएनए वाहक होता है उसके गुणसूत्र का वाहक होता है, जो वंशजों से वंशजों तक आता है ये बहुत होता है। जो राइबोसोम है मैट्रिक्स क्या है, राइबोसोम क्या होता है आप लोग जानते हैं, ये आउटर मेमर्स क्या होती है। इस प्रकार देखिए बहुत सी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें नहीं जानने की जरूरत है, बस यह जानने की जरूरत है। इसके सेल में देखिए दो प्रोटीन्स होते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है। डीएनए कहाँ होता है, किस रूप से किस क्या क्या पार्ट होता है, राइबोसोम में डीएनए बस याद रखनी है, यह महत्वपूर्ण माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 15वां, इबोला क्या है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस चर्चा में रहा है और यह विगत 2 साल से बहुत ही विश्व में कोहराम मचाए हुए है, तो जान ही रहे हैं इबोला इससे संबंधित था। तो यह क्या है, विषाणु जनित है या प्रोटोजोआ, जीवाणु है या कवक है, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इबोला क्या है यह बताने की जरूरत भी नहीं है, यह विषाणु है, जैसे आप लोगों को कोरोना के से संबंधित देखने को मिला था। तो इबोला के संदर्भ में कुछ प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जैसे इसकी खोज कब की गई थी, 1976 में इबोला नदी जो था उससे संबंधित कांगो में किया गया था, कांगो लोकानी गणराज्य में था यह नदी, वहीं से यह उद्भव हुआ, इसलिए इसके नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, WHO 2019 में क्या किया, नवीनतम घटना इसका, इसलिए यह शामिल कर लिया है, 10 खतरे की अपनी सूची में इबोला को शामिल किया। तो ध्यान रखिएगा जो WHO की जो 10 वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जो 10 खतरे से संबंधित जो विषाणु वाली बीमारियां हैं उसमें इसका भी नाम है इबोला का। विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा के लिए इसके संबंधित आप लोगों को वीडियो मैंने पहले भी बनाया है, टेस्ट जब लिया था उसमें भी वीडियो बना हुआ था, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, 10 सूची कौन कौन है वहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए बहुत से एंगल पहले भी बताए जा चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर इसे कर रहे हैं तो उसे छूटेगा नहीं सब चीज़ें, इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग रेगुलर इसे विजिट करते रहिए, देखते रहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा 21 फरवरी 2021 में क्या किया है, गिनी में फैले इबोला वायरस के प्रकोप को खत्म होने की घोषणा की है, जो 2013 से 16 के बीच लगभग 11,300 लोगों की मौत का कारण बना था इबोला। तो नवीनतम घटना इबोला से यह था कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले
इबोला से संबंधित जो घटना थी वो उसमें घोषणा WHO के द्वारा की गई है। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न लोग बात करते, 16वां नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसके, चलिए सिलेक्ट में कर लूँ पहले, निम्नलिखित में से किसको बाइंडिंग माध्यम से तैयार किया जाता है या बॉन्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, यमना यमीबा, यीस्ट, पेरामिशियम या प्लाज्मोडियम, यह किसका उपयोग में से, ऑप्शन ई कौन सा होगा, इसका सही उत्तर बताइए। 16 का क्या होगा, 16 का सही उत्तर ऑप्शन ई होगा, ईस्ट। ईस्ट खमीर का हम लोग बहुत ही प्रयोग करते हैं बाइंडिंग के रूप में, आप लोग याद रखिएगा, इस रूप से आप लोगों को प्रश्न पूछ सकता है, तो यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या इस, जिसे आमतौर के भाषा में क्या कहते हैं, खमीर कहा जाता है, मुख्यतः खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थ फुलाने के काम आता है, जो भी खाद्य पदार्थ हम लोग बनाते हैं उसमें अगर फुलाने के लिए किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो इसी ईस्ट का प्रयोग करते हैं, जो किसी आप लोग के देखते होंगे ब्रेड आप लोग देखते होंगे, तो ब्रेड को फुलाने के लिए खमीर का ही उपयोग किया जाता है। एक तरह का फंजाई होता है जो चीज़ों को फ्रेगमेंट करता है या फुलाने का काम करता है, मुलायम करने का काम करता है। ताज़ा ईस्ट आप हम लोग घर में आसानी से बना सकते हैं, लेकिन सूखा ईस्ट जिसे इंटेंस ट्राई एक्टिव ईस्ट बोला जाता है, इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, यह प्रश्न पूछ सकता है। हम लोग किस ईस्ट को, निम्नलिखित में किस ईस्ट को रासायनिक रूप से उपयोग में प्रयोग करते हैं या बनाते हैं, तो आपको नाम दे देगा, उसमें इंस्टेंट ड्राई एक्टिव ईस्ट को ही रासायनिक रूप से, नहीं तो नॉर्मल जो ईस्ट है उसे हम लोग घर में ही बना सकते हैं। ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से होता रहा है। अंग्रेजी में ईस्ट की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती, संस्कृत के याद से, देखिए संस्कृत के याद से भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है। बेकरी ईस्ट, कंप्रेस्ड फ्रेश ईस्ट और सूखा खमीर इत्यादि नामों से जाना जाता है। यह खमीर का वैज्ञानिक नाम भाषा कवक के रूप में जाना कहा जाता है। तो देखिए कवक को ही बोला जाता है, हम लोग बहुत से लोग नाम से ही कंफ्यूज हो जाएंगे ईस्ट क्या है, तो कवक को ही हम लोग ईस्ट बोलते हैं वैज्ञानिक नाम के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लोग देखते हैं, ओपन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लीची का फल, देखिए इस टॉपिक से भी बहुत से प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलता है एग्जाम में, फल का नाम रहेगा उसका किस भाग को हम लोग खाते हैं, तो यह प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। 17वें नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे क्या है, तो मासल एरिल है, मध्य फलाभिति है, अंत फलाभिति, हम किस भाग को लीची का खाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। तो इसका मासल जो एरिल है उसे हम लोग खाते हैं, देख लिए थे एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है, बहुत से फलों का नाम है उसके कौन से भाग को हम लोग खाते हैं। देखिए इन सब चीज़ों का वर्गीकरण जो किया गया कौन से भाग क्या होता है वो साइंस के क्लासेज में की जाती है, अभी मैं बस इतना जान रहा हूँ कि आप लोग इन सब चीज़ों से पता होंगे, बस मैं उन क्वेश्चनों को इंक्लूड कर रहा हूँ जो आप लोग इसको आइडेंटिफाई कर रहा जो एग्ज़ाम तक वो कैरी कर सकेगा, इसलिए याद रखिएगा इन सब प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, आप लोग को ये प्रश्न एग्जाम तक देखने को मिलेगा। इससे किसी ने किसी को लीची नहीं पूछा तो आपको कुछ और फल का नाम पूछ सकता है, फल सत्य फल कौन है, असत्य फल कौन है, या किस भाग को खाते हैं, किस फल के किस भाग को खाते हैं, सब्जी के किस भाग को खाते हैं, तो ये सब प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो देखिए लीची के फल को मासल एरिल या मासल एरिल के भाग को हम लोग खाते हैं। खीरा का क्या भाग है, खीरा के हम मध्यभित्ति या अंतभित्ति को खाते हैं, खरबूजा मध्यभित्ति अंतभित्ति को, लौकी को मध्यभित्ति या अंतभित्ति या छिलका में उतार देते हैं उसके अंत भाग को मध्यभित्ति या अंतभित्ति कहते हैं, बैगन को क्या खाते हैं, फल भित्ति या प्लेसेंटा का उसका खाते हैं, टमाटर फल भित्ति प्लेसेंटा, अंजीर मासल को खाते हैं, इसी प्रकार बहुत से नाम दिए गए, तो आप लोगों को मैं दो चार जो महत्वपूर्ण और है जो एग्जाम में डाइट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग स्ट्रॉबेरी याद रखिएगा, मासल पुष्पासन को इसका अंग को खाया जाता है, शरीफा फल फलाभित्ति को फल के भाग को खाया जाता है, इसी प्रकार आगे आपको और भी देखने को मिलेगा। चलिए ओपन हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज, तो कोई बात नहीं होता है, आपको अनार देखिए रसदार बिचोल को खाया जाता है, याद रखिए नारियल आपसे नारियल से पूछ सकता है, जो कोकोनट होता है भ्रूण पोष को खाया जाता है, मटर भ्रूण पूर्ण बीज को भी खाया जाता है, लोग बीज भी खाते हैं या उसके छिलका को उतार के भी खाते हैं, पूर्ण बीज जो होता है बीज का छिलका जो होता है उसे। नेक्स्ट हम लोग गेहूं मक्का काजू सभी से पूछ सकता है, लीची देखिए मासल एरिल्स का होता है, सिंघाड़ा हम लोग किसका खाते हैं, बीजपत्र से खाते हैं। इधर देखिए आप लोग सेब नाशपाती इमली नारंगी
आम, बैर, अंगूर, सुपारी, अमरूद, केला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद कर लेना चाहिए किस किस भाग को क्या क्या खाते हैं। देखिए बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, बस इंक्लूड में यहाँ कर दिया हूँ, आप लोग सब चीज़ों को देख लीजिएगा, इसे किस भाग को ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद, इतना तो याद कर लेना है, इन भागों को खाया जाता है, केला के फल, बैर को, किस भाग का आम को, मत भी इस रूप से आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न पर आते हैं, 18वें नंबर प्रश्न पर ओपन हो रहा है, वेट कीजिए। चलिए 18वां नंबर क्या है, निषेचन के बिना अंडे के भ्रूण में बनने की क्रिया या क्या कहलाता है, तो ये आप लोग बताइए। अनिषेचक जनन कहते हैं, अनिषेचन फलन कहते हैं, अपबीजाणुता कहते हैं, या पर निषेचन कहते हैं, या उपयुक्त से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, अभिनिषेचक जनन कहते हैं इसको, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। तो ये एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन में देखिए चीज़ें हैं कि अनिषेचक जनन, अनिषेचक प्रजनन, जनन प्रजनन जो होता है वह एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें अंडे के परिवर्धन के बिना किसी निषेचन से ही हो जाता है, अर्थात अंडे का परिवर्धन नहीं होता, वहाँ डायरेक्ट निषेचन किया जाता है। बीआरटी के अनुसार 1967 में जब मादा युग्मक अंडा परिपक्व हो जाता है किंतु नर युग्मक से बिना संपर्क में आए बिना किसी आनुवंशिक पदार्थ से ग्रहण कर ये ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूण आनुवंशिक पदार्थ को हम लोग उसमें इनपुट कर सकते हैं जिससे भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अभिनिषेचक अनिषेचक जनन कहते हैं। उस प्रक्रिया में अनिषेचक जनन कहते हैं, अर्थात साधारण शब्दों में कहा जाए तो नर युग्मक शुक्राणु के बिना संयोजन के अंडाणु के भ्रूणाणु परिवर्धन की प्रक्रिया आने वाली क्रिया को यह कहा जाता है अनिषेचक जनन। तो यह महत्वपूर्ण है, इस रूप से प्रश्न पूछ सकता है, आप लोग ध्यान रखना है। 19वां नंबर प्रश्न क्या है, देखिए इससे भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, किसके प्रयोग हम लोग किस रूप से करते हैं मापने में, ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है, प्रकाश संश्लेषण का दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, ऊर्जा ह्रास के दर नापने में, रसायकर्षण के दौरान नापने में, अच्छा किसी प्रकार का रसायन अभिकर्षण हो रहा है उसके दर को नापने, या उपयुक्त से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 19 का क्या होगा सही उत्तर, 19 का आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, वृद्धि दर नापने की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसमें ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत से लिस्ट दे दिया गया है, आप इसका याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये बार बार प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। आपको एनीमोमीटर याद रखना, हवा की स्पीड को याद रखना, हाल ही में बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें आप लोगों को जो मीटर लग रहा था बाइक में या कार में उसमें किस पेट्रोल जो खपत होता है उसमें किस किसका प्रयोग किया, कौन से मीटर का प्रयोग किया जाता है, वहाँ नाम पूछा था, आप लोग ध्यान रखना, ये सब प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कैरेट मीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सोने की शुद्धता नापने का। हाइड्रोमीटर किसी लिक्विड या स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिविटी जो डिसेंटी होती है यानी पानी का घनत्व मापने के लिए किया जाता है। नाम का देखिए अलग अलग नाम दे देगा, उससे प्रश्न आपको पूछ सकता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, कहीं ना कहीं आपको प्रश्न पूछ सकता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापने के लिए किया जाता है। इसमें जो सिस्मोग्राफ है भूकंप की तीव्रता, पायरोमीटर सतह का तापमान मापने के लिए जो ज़्यादा गर्म होता है लाल लोहा गर्म नापने के लिए, या पायरोमीटर या इंफ्रारेड किरणों को ना या लाल रक्त और रक्त किरणों को भी नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए इस प्रकार से आप लोग को याद ना, बैरोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग हवा में या दाव के वायु दाब मापने के लिए, या सोनार पानी के अंदर की चीज़ों अर्थात समुद्री जल में हम लोग कोई खो जाता है या समुद्र देखते होंगे बहुत जगह सोनार का उपयोग किया जाता है, कहीं ऐसी दुर्घटना घट जाती है जहाँ जल में वो डूब जाता है उसके लिए हम लोग सोनार का उपयोग करते हैं। पॉलीग्राफिक झूठ पकड़ने वाला यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। रडार रेडियो तरंग के दूर की स्थिति को वस्तु का वेग रेंज और कोण को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण है, आप लोग को यंत्र उससे संबंधित जो मापने की प्रक्रिया कौन कौन सी की जाती है उससे ये प्रश्न आपको एक टॉपिक इससे प्रश्न होगा, तो इसे भी कैरी कीजिएगा आप लोगों का आज का लास्ट और नॉट लिस्ट। हम लोग फिर नए एक वीडियो सेगमेंट सेट टू के साथ आएंगे, तो चलिए आज हम लोग लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। बायोलॉजिकल हॉट स्पॉट के रूप में हॉट स्पॉट विशेषता क्या होती है, वनस्पतियों के जीव या जीव की विविधता कुछ प्रजातियों के ऑप्शन ये देख लेते हैं, वनस्पतियों और जीव की विविधता वहाँ पाई जाएगी, या कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति होगी, स्थानीय फूलों की पौधे और उसमें जुड़े खतरे होंगे, विविध जीव कुंड की उपलब्धि होगी, कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए हॉट स्पॉट की बात यहाँ की जा रही, तो इसका हॉट स्पॉट के रूप में क्या होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन के रूप में हम लोग देखेंगे क्या है इसका सही उत्तर है। तो यह
वह क्षेत्र होगी जहाँ जैव विविधता पाई जाती है, इससे संबंधित आपको ये अमानवीय क्रियाकलापों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कुछ प्रजातियाँ होगी जो फिलहाल क्या होगी, विलुप्ता की स्थिति में कवर होगी। देखिए वनस्पतियों जीव की विविधता होगी तो हॉटस्पॉट को अलग अंतर हो जाएगा, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की बात की जा रही है, तो वहाँ कुछ प्रजातियाँ ऐसी होगी जो विलुप्ता की स्थिति में होगी, वो किसी मानवीय प्रकार क्रिया के कारण संकट में होगा, इसलिए हॉटस्पॉट जारी किया जाता है। तो आप लोग बताइए कमेंट में, भारत में कितने ऐसे हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं। जैव विविधता विज्ञानी जो डॉक्टर नेमस मायर्स के द्वारा सबसे पहले इस जैव विविधता के स्थानों की पहचान की गई थी, तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, इन सब चीज़ों को कवर करते रहना है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हम सारी चीज़ों पर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले, और साथ ही साथ हमारा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। नेक्स्ट वीडियो तक हम जल्द से जल्द मिलेंगे आप तक, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।